हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हमने मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक जो आपका आर्टिकल था उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। पहले हमने उसे जो बारीकी से था उसे समझा, बोर्ड के लिए भी स्टडी किया, कॉम्पिटिटिव के लिए भी स्टडी किया। तो आपको ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बोर्ड के 12th बोर्ड के लिए स्टडी करना है, आपको सीईटी के लिए स्टडी करना है और आपको मेंस के लिए भी स्टडी करना है। तो आपके जो भी डाउट्स है, जो भी शीट आपने एमसीक्यू आपने सॉल्व किए थे, तो उनके सभी डाउट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। ओके ना, तो यहाँ से आज से हम क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में मूव हो रहे हैं। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहले क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वहां पे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को। तो आगे जाके हम क्या स्टडी करेंगे, हम यहां पे सर्कल स्टडी करेंगे और कूनिक सेक्शन स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कूनिक सेक्शन, ये सभी जो आर्टिकल है ये हमारे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के आर्टिकल से। तो चलो आज के लेक्चर में हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो भी बेसिक है वो हमारा बेसिक लेक्चर में हो चुका है, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टडी किया था, टू डायमेंशनल में पॉइंट कैसे लेना है, टू पॉइंट कैसे लेना है, उसका स्लोप कैसे लेना है, ये सभी हमने वहां पे स्टडी किया था। तो जो भी कुछ बेसिक चीजें वहां पे मिस हो गई है वो अब हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो चलो देखो, वहां पे हमने लिया था थ्री पॉइंट्स, कोलिनियर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोलिनियर होते या नहीं होते हैं। ओके, अगर थ्री पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, अगर थ्री पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तभी वो क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपके पास ट्रायंगल आ गया तो उसके पास फोर टाइप्स के सेंटर्स होते हैं, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। इन सभी सेंटर्स के बारे में हमने फाउंडेशन बेसिक लेक्चर में स्टडी किया था। ओके ना, तो इन सभी बेसिक फाउंडेशन की जो यहाँ पे पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आर्टिकल्स है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे देख सकते हो। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जो फाउंडेशन की लिंक्स दी है पहले उन लेक्चर्स को देखो, ताकि जो बेसिक है इस आर्टिकल से रिलेटेड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप आसानी से इस आर्टिकल को समझ सकते हो। तो वहां पे जो आर्टिकल में वहां पे हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में नहीं देखा था, हमने कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में वहां पे देखा था लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में नहीं देखा था। तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीजें आगे जाके या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे लिए जरूरी होगी, उन सभी आर्टिकल्स को आज हम इस लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो चलो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का हम यहां पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, जैसे आपको पता है कि मैंने एक पॉइंट लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, टू डायमेंशन में है इसलिए x1 y1, और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया Q x2 y2। तो चलो देखो, तो आपको पता है कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर है, टू डिफरेंट पॉइंट्स है, तो हम दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो देखो, हम P एंड Q से जाने वाली वन एंड ओनली लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो, इन दोनों के बीच में, चलो ये सेगमेंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, सेगमेंट PQ को, यहाँ पे कहीं पे R पॉइंट है जिसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स ग्राफ जो है वो है एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है। तो सिंपल सी बात है, P एक पॉइंट है x1 y1, Q दूसरा पॉइंट है x2 y2, एंड R P एंड Q के जो सेगमेंट है उस सेगमेंट के बीच में, मतलब P एंड Q के बीच में आता है, दैट इज R lies between P एंड Q, इस तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, R lies internally of P एंड Q, R P एंड Q के बीच में lie करता है। ओके चलो, तो फिर अगर P से R ये जो सेगमेंट है, ए सेगमेंट अगर M है एंड R से Q ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ अगर N है, तो क्लियरली आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PR प्लस डिस्टेंस बिटवीन QR। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड R क्या है, M, प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R क्या है, N। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या हो गया, M प्लस N हो गया। चलो अच्छे से देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या समझना है।
तो यहाँ पे अच्छे से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आर जो पॉइंट है आपका ओ पी एंड क्यू के बीच में आता है, सेम लाइन पे पी क्यू आर क्या है, कोलिनियर पॉइंट से। तो R R क्या करता है, PQ को डिवाइड करता है, R PQ को डिवाइड करता है कैसे, इंटरनली इन रेशो M एज टू N। तो चलो देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, R डिवाइड्स सेगमेंट PQ, सेगमेंट PQ इंटरनली, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनली का मतलब क्या है, R सेगमेंट PQ के बीच में है, ओके, इंटरनली इन रेशो, इन रेशो यम एस टू यन। तो चलो देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में आपको बहुत बार फंसाया जाता है, चलो देखो कैसे, हमने क्या बोला सेगमेंट पी क्यू को, क्या बोला, आर डिवाइड सेगमेंट पी क्यू, मतलब क्या है, पी लेस देन आर लेस देन क्यू, मतलब आर पी क्यू के बीच में है। तो सेम स्टेटमेंट को अगर आपने यहाँ पे रिवर्स किया तो क्या करना होगा, आर डिवाइड सेगमेंट क्यू पी, चलो मैंने सेगमेंट को क्या किया, रिवर्स किया, इंटरनली, इसका मतलब आर क्या है, क्यू पी के बीच में है, इंटरनली इनर रेशो, इनर रेशो, अब देखो क्यू से स्टार्ट करना है पी तक जाना है, क्यू से आर, आर से पी, इस तरह से डिवाइजन होता है। अच्छे से देखो, जब हमने बोला आर डिवाइड सेगमेंट पी क्यू तो स्टार्ट कहां से करना था, पी से, फिर आएगा आर, फिर आएगा क्यू, मतलब पी आर से आर क्यू, ऐसा डिविजन होता है। सो पी से आर मतलब क्या था यम, R से Q मतलब क्या था N। अब यहाँ पे आपने क्या बोला, R डिवाइड सेगमेंट QP, मतलब Q से R एंड R से P, इस तरह से क्या करेगा, डिवीजन करेगा। सो Q से R का मतलब क्या है N, R से P का मतलब क्या है M। सो R डिवाइड सेगमेंट QP इंटरनली इन अ रेशियो N एस टू M। ओके तो आपको पता चल गया इंटरनल डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो ऐसे सेगमेंट पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, सो पी एंड क्यू के बीच में यहाँ पे क्या है, आर है। तो अगर आप बोलोगे पी क्यू को डिवाइड करना है, सो पी से आर एंड आर से क्यू, इस तरह का डिस्टेंस का रेशो आएगा, ओके ना। अगर आपने बोला क्यू से पी को डिवाइड करना है तो स्टार्ट कहां से करोगे, क्यू से आर एंड आर से पी, इसलिए यम एस टू यन आएगा कि यन एस टू यम आएगा, वो डिपेंड है आप पी क्यू ले रहे हो या फिर क्यू पी ले रहे हो। चलो देखो अच्छे से, तो ये जो सिंपल चीजें हैं ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझनी होंगी। तो देखो अक्सर कॉम्पिटिटिव में आप यहाँ पे गलती कर जाते हो, आपको सेगमेंट पी क्यू का दिया होता है एम एस टू एन, और क्यू पी में क्या होगा वो एन एस टू एम होगा। तो ज्यादा डरने वाली यहाँ पे कुछ तो बात है नहीं, आपको बस देखना है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अगर R PQ को डिवाइड करता है, इसका मतलब P डैश R डैश Q, इस तरह से होगा। सो P से R पहला डिस्टेंस लो, R से Q सेकेंड डिस्टेंस लो, तो डिवीजन क्या होगा, M S टू N का होगा। अगर आपको Q से डिवाइड करना है, क्यू पी को डिवाइड करना, R R अगर क्यू पी को डिवाइड करता है तो Q Q से R और R से P का डिस्टेंस, Q से R का डिस्टेंस क्या है N, एंड R से P का डिस्टेंस क्या है M, तो डिवीजन क्या होगा, N S टू M होगा। ओके तो चलो आपका जो कि कंफ्यूजन के पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखो अब हम यहाँ पे फॉर्मुलेशंस को ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मुलेशंस को ट्राई करेंगे। तो फॉर्मुलेशन में कैसे आएगा, चलो देखो क्या करना होता है, हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो पी क्यू को डिवाइड करता है, हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट से क्यू के कोऑर्डिनेट से, तो हमें आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो आर यम एस टू यन में पी क्यू को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छे से देखो, मैंने पी क्यू को बोला इसलिए यम एस टू यन बोला, अगर मैंने क्यू पी से बोला होता तो यन एस टू यम बोलता। तो देखो कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू, क्या लेना है, इसका डिवीजन कोऑर्डिनेट इसके, इसका डिवीजन कोऑर्डिनेट इसके, मतलब यम एक्स टू, यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन, यन एक्स वन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन यम प्लस यन, ये आ गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फिर यम वाई टू, यम इंटू इसके कोऑर्डिनेट प्लस यन इंटू इसके कोऑर्डिनेट प्लस यन वाई वन डिवाइडेड बाई यम प्लस यन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट पी क्यू को डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। तो चलो सिंपल सी बात है, यहाँ पे समराइज करना आपके लिए जरूरी होगा कि अगर
आपका R PQ को MS to N में डिवाइड करता है तो आपके R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, MX2 plus NX1 upon M plus N, एंड R का Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, MY2 plus NY1 upon M plus N, ऐसे सिंपल फॉर्मुलेशंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ओके ना। तो अगर आपको बताया गया हो, चलो ऐसा एक प्रॉब्लम हमने लिया कि R divides P 2 3 and Q 4 7 in ratio 1:2. चलो सिंपल सी बात है, आपको क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको सिर्फ उसे अंडरस्टैंड प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा। R divides P and Q, मतलब आपको क्या दिया है, P पॉइंट दिया है, क्या दिया है 2 3, Q पॉइंट दिया है आपको, क्या दिया है, Q पॉइंट 4 7, और आपको क्या बताया है, R divides PQ इंटरनली इन रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंटरनली इन रेशो 1:2, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। क्वेश्चन सिंपल है, अच्छे से देखो क्या क्वेश्चन है आपका, R divides P of 2 3 एंड Q of 4 7, मतलब R क्या कर रहा है, पहले कौन आया P, मतलब R P Q को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो चलो यहाँ पे मैंने P लिया 2 3, Q लिया 4 7, तो ये आ गई आपकी सेगमेंट PQ। तो चलो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, R होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, XY, और मुझे क्या करना है, R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, तो मुझे यहाँ पे बताया गया है PQ को, मतलब P से R एंड R से Q का डिस्टेंस क्या होगा 1:2, मतलब ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट क्या होगा 2। तो अब क्या करना है, R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सिंपल सी बात है। R के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, X कोऑर्डिनेट, क्या करोगे, दिस इंटू X कोऑर्डिनेट, मतलब 1:4 प्लस 2 into x coordinate, 2 into 2 मतलब क्या 4, divided by m plus n मतलब क्या हो गया 3, 1 plus 2, and y coordinate क्या होगा, this into y coordinate मतलब 7, plus this into y coordinate मतलब 6, divided by 3, तो यहाँ पे x coordinate क्या आएगा 8/3, and y coordinate क्या आएगा 13/3, तो इस तरह से R के coordinates आपको मिल जाएंगे। जरूरी क्या है, जरूरी है ratio कौन सा है internally, और ratio क्या दिया है और किससे डिवाइड करता है PQ को, ऐसे आपको बताया नहीं गया। यहाँ पे क्या कहा है, R divide this and this, मतलब क्या सेगमेंट PQ, पहला जो पॉइंट होगा वहां से एन के पॉइंट तक आपको जाना है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का सिंपल सा आर्टिकल जो था वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो देखो अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपको जो भी लगता है ओपिनियन जो है आपका वो कमेंट में जरूर बताए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। चलो देखो फिर हम नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन, तो इसे आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्सटर्नल डिवीजन, ओके तो चलो क्या है एक्सटर्नल डिवीजन, इसे अच्छे से आप समझ सकते हो। चलो देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया Q x2 y2, तो देखो ये सेगमेंट PQ हमने क्या किया, ज्वाइन किया। अब अच्छे से देखो, अगर आपका R पॉइंट जो है ये PQ के बीच में आ गया तो क्या होगा, R PQ को कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर आपका R PQ के बाहर चला जाता है, मतलब इसी लाइन पे PQ सेगमेंट के बाहर अगर चला जाएगा तो R PQ को कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो चलो अगर अच्छे से देखो क्या है, अगर R जो है आपका R तो PQ के बाहर चला जाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, ये तो Q से आगे हो सकता है या फिर P से पीछे हो सकता है, ये हमारे पास दो चॉइसेस यहाँ पे आएंगे। किसके लिए, जब R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो कोई भी एक चांस आप ले सकते हो। चलो देखो अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया R XY, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, P से R तक का डिस्टेंस जो है वो क्या लेंगे हम M, एंड R से Q तक का डिस्टेंस जो लेंगे वो क्या होगा N, ओके ना। तो चलो अच्छे से देखो,
क्या करना पड़ता है। तो अब आपको क्या करना है, आर के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, अब क्या हो गया, आर जो है वो पी क्यू के बाहर चला गया, ओके ना। तो अब पी से आर का डिस्टेंस क्या है एम, एंड आर का क्यू से आर का डिस्टेंस क्या है एन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, आर डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशो एम एस टू एन, ओके ना। तो आर क्या कर रहा है, सेगमेंट पी क्यू को कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इन द रेशो एम एस टू एन। इसका मतलब क्या है, आर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है, मतलब पी से आर क्या आएगा एम, एंड क्यू से आर क्या आएगा एन। ये आपको अच्छे से समझना होगा। अगर सेम स्टेटमेंट आपने रिवर्स में बोला होगा, क्या आर डिवाइड्स सेगमेंट क्यू पी एक्सटर्नली इन द रेशो। तो चलो देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, सेगमेंट क्यू पी को एक्सटर्नली डिवाइड किया है, तो क्यू से आर और आर से पी तक आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो क्यू से आर क्या है आपका एन, और आर से पी तक क्या है एम। तो यहाँ पे डिवीजन क्या होगा, एन एस टू एम। तो चलो देखो, आपको ऑब्जर्व कहाँ पे करना है, ऑब्जर्व करना है सेगमेंट क्या दी है और डिवीजन क्या है, डिवीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है, और सेगमेंट पी क्यू दी है या क्यू पी दिया है, इस पे डिपेंड रहेगा आपका एम एस टू एन होगा या फिर एन एस टू एम होगा। सिंपल सी बात है, अगर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है आर, तो यहां रेशो पहले क्या होगा, पी से आर का और फिर आर से क्यू का। अगर डिवाइड सेगमेंट क्यू पी को कर रहा है, तो क्यू पी का रेशो पहले आएगा क्यू आर का रेशो, और उसके बाद क्या आएगा, पी आर का रेशो। बस यही चीज आपको अच्छे से दिमाग में डालनी है। तो चलो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई, क्यू के कोऑर्डिनेट से एक्स टू वाई टू, एंड पी के कोऑर्डिनेट से एक्स एन वाई वन। और हमको पता है आर जो है पी क्यू को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पी क्यू को एम एस टू एन में। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे बन करेंगे, सो एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, पी से डिस्टेंस है तो कोऑर्डिनेट किसका होगा, क्यू का, और क्यू से डिस्टेंस लिया तो कोऑर्डिनेट किसका होगा, पी का। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, मतलब एम इन टू एक्स टू, एम एक्स टू। अब क्या है, माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन है, बाहर जाता है इसलिए माइनस लेते हैं, एन इन टू एक्स वन, एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलो देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी से डिस्टेंस लिया तो कोऑर्डिनेट क्यू का होगा, सो एम वाई टू माइनस, अब एन डिस्टेंस लिया तो कोऑर्डिनेट किसका होगा, पी का, मतलब एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो अगर आप इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा एम एस टू एन ठीक है, एक्स टू एक्स वन, वाई टू वाई वन, ये भी ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन में यहाँ पे माइनस होता है और माइनस होता है। तो चलो देखो, यहाँ से आपको इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन का आर्टिकल क्या है, क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये जो है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, यहाँ पे एक बेसिक चीज है जो आपको अच्छे से याद करनी होगी, कि जब भी कोई भी पॉइंट किसी सेगमेंट को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तब तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते ही है। तो ये आपके पास कोलिनियर शो करने के लिए एक अच्छा सा मौका भी यहाँ पे बन जाता है। जैसे आपने देखा कि आप बाय डिस्टेंस की हेल्प से कोलिनियर दिखा सकते हो, बाय स्लोप की हेल्प से कोलिनियर दिखा सकते हो, या फिर बाय आप डिवीजन की हेल्प से भी अब कोलिनियर दिखा सकते हो। कोई भी पॉइंट रिमेनिंग टू पॉइंट्स को अगर इंटरनली या फिर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो डेफिनेटली वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो चलो, आप कोई भी थ्री पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए आपके पास अब मल्टीपल वेज यहां पे अवेलेबल है। यहां पे एक और पॉइंट जो है, जो कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए आपके लिए जरूरी है, चलो देखो, मैंने यहां पे बोला कि R डिवाइड सेगमेंट PQ, सेगमेंट PQ मतलब क्या, P से R अपॉन R से Q, ओके ना। तो ये रेशो क्या है, M as to N, अच्छे से देखो। तो फिर जैसे ही आपको पता चलेगा PR अपॉन RQ मतलब M अपॉन N, ये ग्रेटर देन 1 है,
अच्छे से देखो, ए ग्रेटर देन वन ही। तो चलो देखो, कोई भी रेशो ग्रेटर देन वन कब होता है आपको अच्छे से पता है, आप स्मार्ट हो, बता सकते हो आसानी से कि यम अपॉन यन ग्रेटर देन वन कब होगा, जब यम की वैल्यू यन के वैल्यू से बड़ी होगी। ओके ना, अगर यम आपका बड़ा है यन छोटा है तभी यम अपॉन यन क्या होगा, बड़ा, ग्रेटर देन वन होगा। तो चलो देखो, यम बड़ा होना चाहिए यन छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये जो आर है ये क्यू के पास है और पी से दूर है। अच्छे से समझो, यम बड़ा है यन छोटा है, यम क्या है, पी से आर का डिस्टेंस है, यन क्या है, क्यू से आर का डिस्टेंस है। यम बड़ा है मतलब पी का आर से डिस्टेंस ज्यादा है, आर तो पी क्यू के बाहर है, इसका मतलब आर या तो यहां हो सकता है या तो यह हो सकता है। अगर यम बड़ा है तो यहां पे अगर आपका R होता तो P से R और Q से R में कौन बड़ा होता, Q से R बड़ा होता। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, यम बड़ा है, तो इसका मतलब यन की बजाय यम बड़ा, इसका मतलब आर जो पॉइंट है ये पी से दूर है, पी से दूर है मतलब तो यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। तो चलो देखो, कॉम्पिटिटिवली आपके लिए जरूरी क्या है, पी आर अपॉन आर क्यू मतलब यम अपॉन यन जो है वो अगर वन से बड़ा है तो पी एंड क्यू आर के बीच में क्या होगा, क्यू होगा। देखो जैसे आपको पता चला यम अपॉन यन ग्रेटर देन वन है तो पी आर के बीच में कौन होगा, क्यू होगा। एंड इफ पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू यम अपॉन यन है, ये लेस देन वन होगा। अच्छे से देखो, यम अपॉन यन कब लेस होगा, अच्छे से देखो सुनो इसे क्लियरली, क्या है यम अपॉन यन लेस देन वन कब होगा। कोई भी आर्गुमेंट कोई भी रेशो लेस देन वन तभी होता है जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसका मतलब यम यन से क्या है, छोटा है। यम छोटा, यम मतलब क्या, पी से आर का डिस्टेंस, क्यू से आर से डिस्टेंस है, क्या है, छोटा। अगर मैंने आर यहां से लिया तो आर क्यू के करीब होगा और पी से दूर होगा, मुझे क्या चाहिए, यम छोटा चाहिए तो मुझे आर यहां पे लेना होगा। जब आर यहां पे लिया पी के करीब तो आर यहां पे, देखो यहां पे आर लिया तो पी आर के करीब होगा और क्यू से क्या होगा, दूर होगा, तभी यम अपॉन यन लेस देन वन होगा। इसका मतलब आर एंड क्यू के बीच में कौन होगा, पी होगा। तो चलो देखो, पी आर अपॉन आर क्यू मतलब यम अपॉन यन ग्रेटर देन वन है तो पी एंड आर के बीच में क्यू होगा, मतलब इस तरह से पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो आर का आ जाएगा क्यू के आगे। और अगर यम अपॉन यन लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या होगा, आर ये जो पी के साइड में होगा, मतलब आर एंड पी ऐसे होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे पी होगा और क्यू होगा, तो आर आर पी के साइड में होगा। तो इस तरह से आप यम अपॉन यन ग्रेटर देन वन है या फिर यम अपॉन यन लेस देन वन है इससे आसानी से पता लगा सकते हो कि पी एंड आर के बीच में क्यू है या फिर क्यू एंड आर के बीच में पी है। इतना सिंपल है, आप आसानी से पता लगा लोगे। तो चलो देखो, ये जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का आर्टिकल है फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।